हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद टीके। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास इलेवेंथ विच नेम इज़ लीनियर इनइवलिटीज इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडी लीनियर इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें आपकी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होती है लाइक टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ये क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने आपको टू हंड्रेड रुपी का नोट दिया और आपको कहा वन के जी एप्पल लेकर आना और वन के जी ग्रेप्स लेट एप्पल इज इक्वल टू एक्स के जी एंड ग्रेप्स इज इक्वल टू वाई के जी सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू हंड्रेड बिकॉज आपकी मदर ने आपको टू हंड्रेड का नोट दिया आपने टू हंड्रेड का नोट शॉपकीपर को दिया और वन के जी एप्पल और वन के जी ग्रैप्स परचेज कर लिए तो ये आपकी हो गई इक्वेशन इफ आपकी मदर आपको टू हंड्रेड का नोट देती है और बोलती है वन के जी एप्पल लेके आना एंड वन डज़न बनाना लेके आना तो क्या होगा और कहती है आपको कुछ पैसे भी बचेंगे वो भी आपको लेके आने हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन टू हंड्रेड मीन्स कुछ पैसे भी बचेंगे का मीनिंग है कि टू हंड्रेड से कम में ही आपका एप्पल और बनाना आ जाएगा तो जो ये कंडीशन है आपकी एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन टू हंड्रेड इसी को आपका क्या बोलते हैं इनक्वालिटी इनक्वालिटी क्या होती है अब आपको इस एग्ज़ाम्पल से कुछ आइडिया लग रहा होगा इनिक्वालिटी क्या होती है एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करती है किसका साइन लेस देन का साइन ग्रेटर देन का साइन आइदर लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल एंड इन इक्वेशन इक्वेशन वन और मोर देन वन वेरिएबल एंड इट इज लीनियर एक कंडीशन है कि ये कैसी होनी चाहिए लीनियर एंड इट इज लीनियर इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वालिटी अगर आपको लीनियर इन इक्वालिटी के बारे में बताना है तो आपकी इक्वेशन भी कैसी होनी चाहिए लीनियर होनी चाहिए और अगर आपको क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के बारे में बताना है तो आपकी इक्वेशन क्वाडेटिक होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टू एक्स माइनस वन इज लेस देन फाइव मीन्स आपके टू एक्स माइनस वन लेस देन है फाइव के फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड लाइक टू एक्स माइनस वन लेस देन फाइव जिसकी साइड माउथ ओपन होता है वो ग्रेटर होता है और जिसकी साइड माउथ क्लोज होता है वो लेस देन होता है ओके सो नाउ कम टू द सेकेंड हैडिंग सॉल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी सॉल्यूशन क्या होता है इनक्वालिटी का सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वैलिटी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेरिएबल किसे कहते हैं एक्स वाई द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सैटिस्फाई जो सेटिसफाई करती है द गिवन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सटिसफाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वैलिटी We satisfy the given inequation is called solution of inequality. For example, for example, 2x minus 1 is less than 5. If we put x is equal to वन, सो टू वन माइनस वन लेस देन फाइव ये आपका आ गया वन लेस देन फाइव ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना एक्स इज इक्वल टू वन सेटिस्फाइड कर रहा है कि वन लेस देन है फाइव का सो एक्स इज इक्वल टू वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिक्वेशन ओके नाउ कम टू दॉल्यूशन सेट सोल्यूशन सेट द सेट एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन को ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अ इन इक्वेशन एक ऐसा सेट जो इन इक्वेशन का जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको कंटेन करता है उसे क्या कहेंगे इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सेट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सेट कम टू द लॉज ऑफ इन इक्वालिटी लॉज ऑफ इन इक्वालिटी इन इक्वालिटी के लॉज क्या हैं लाइक फर्स्ट लॉ है एक्स लेस देन है, है आपका वाई से अगर आप सेम नंबर ऐड करते हैं दोनों साइड लेट एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री इफ यू एड सेम नंबर टू बोथ साइड न टू प्लस टू लेस देन थ्री प्लस टू आपने सेम नंबर एड किया दोनों साइड टू एंड टू लेस देन टू तो इनक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आया इनक्वालिटी सेम है तो फर्स्ट लॉ है अगर आप किसी भी सेम नंबर से एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड तो साइन ऑफ इन इक्वालिटी डज नॉट चेंज सेकेंड लॉ इज इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनईक्वलिटी बाई कॉमन नंबर लेट एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री टू लेस देन थ्री इफ यू मल्टीप्लाई बहुत साइड्स बाई टू दैन फोर इज ऑल्सो लेस देन सिक्स एंड इन इक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा नाव कम टू द लॉज ऑफ इन इक्वालिटी नंबर थर्ड इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अगेटिव नंबर अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइवालिटी का साइन है आपका रिवर्स हो जाएगा लाइक टू एंड थ्री अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टू से और इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टू से तो इन इक्वालिटी का साइन आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा सी माइनस फोर माइनस सिक्स तो अब आपका कौन सा बड़ा है अब आपका माइनस फोर ग्रेटर है तो आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स दिस इज़ योर ऑल अबाउट लॉज ऑफ इनईक्वालिटी नाउ कम टू द नेक्स्ट हैडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन When we represent the solution when we represent the solution of linear equation of one variable of one variable on the number line.